हुई मेरे दोस्तों अभी दानी करों ने अपने ख्यालात का इजहार करा। मैं मुख्तसरन की बात कहना चाहता हूँ, हमारे ऊपर जितनी भी आफात आ रही है आप अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं इस चीज को। इन सबके जिम्मेदार हम खुद हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा ख्याल है कि जितने भी इस टाइम जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, चाहे किसी भी कंट्री में हो, इंडिया से लेकर म्यांमार हो, इसराइल हो, या फिर शाम हो, सीरिया हो, कोई भी हो, वहाँ पर इसकी अहम वजह यह है कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्यारे नबी हैं उनकी सुन्नत पे अमल करना बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, बिल्कुल ही छोड़ दिया है। अगर हम अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ये हालात जरूर बदल जाएंगे। और मौलाना की एक बात से मैं इत्तफाक रखता हूँ कि जो ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये होते रहे हैं और होते रहेंगे इंशाल्लाह, लेकिन मुझे लगता है इससे कोई हल निकल के सामने नहीं आ रहा। उसकी अहम वजह यह है कि हमारे अंदर इख़लास की कमी है। आज हमारे अंदर बहुत सारी जो अल्लाह के रसूल ने हमें बुनियादी चीज़ें बताई हैं, जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बताए हैं, सिखाए हैं, वो सब चीज़ें हमने बिल्कुल तर्क कर दी हैं। और हम उन लोगों पर ईमान ले आए हैं जिन लोगों का तरीका अल्लाह के रसूल ने बिल्कुल कंडम कर दिया है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, उसके अंदर मैंने पढ़ा कि यहूदी जो थे 1863-64 के अंदर फिलस्तीन में आए, उन्होंने इंस्टीट्यूशन के लिए जगह मांगी, उन्होंने एक बंजर जमीन उनको देखी कि भाई आप लोग यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन कायम कर लो अपना। उन यहूदियों ने वहाँ पर इंस्टीट्यूशन कायम करा, आज वो पूरी दुनिया के अंदर प्रचलित चल रहा है उस इंस्टीट्यूशन के जरिए। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ दो चीज़ों पर अमल करा, पहली चीज़ तो तालीम और दूसरी चीज़ चंगी सलाहियत। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हुआ, वफात हुई, तो दिया नहीं था घर में, लेकिन तीन तलवारें थी। ये इस बात का सिंबल है कि मुसलमान आज जो बस्तगी में है वो दोनों चीज़ों की वजह से है, एक तो हम तालीम और दूसरा हमारे अंदर तो इख्तदार नहीं है, हम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं आज, इस वजह से हम बस्तगी में हैं और रहेंगे। मेरे दोस्तों, मैं इस बात से इख्तिताम करता हूँ अपनी बात को कि आप तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, एक इशू जो भी हो उस पर एक प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाएं। आज बर्मा का इशू है, कल इंडिया का कोई भी इशू हो, सब तमाम एक प्लेटफॉर्म पर है और अल्लाह के रसूल की हदीस से जुड़े रहें, अल्लाह के रसूल की हदीसों पर अमल करते रहें। अस्सलाम वालेकुम।